हेलो गाइस, मेरा नाम अनुप है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं अनुप गुप्ता। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार अपने ब्लॉग पोस्ट को गूगल के ऊपर फास्टली इंडेक्स करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी पोस्ट को गूगल के ऊपर फास्टली इंडेक्स करवाना चाहते हैं तो उसका पहला स्टेप है कंसिस्टेंसी और शेड्यूलिंग। इसका मतलब क्या है कि आपको अपना एक फिक्स शेड्यूल बनाना है कि आपको इसी दिन पोस्ट लिखनी है और इतने बजे पब्लिश करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दिन छोड़ के एक दिन पोस्ट लिखते हैं, जैसे कि आपने आज एक पोस्ट लिखी, कल नहीं लिखी, परसों पोस्ट लिखी, उसे पहले दिन लिखी। इसका मतलब क्या है, हफ्ते में तीन दिन पोस्ट लिखते हैं तो आपको उसको फिक्स डेट बनानी है। उसका मतलब फिक्स आपको वार बनाना है, जैसे आपने एक पोस्ट सोमवार को लिखा, एक बुधवार को लिखा, एक बृहस्पतिवार को लिखा, ठीक है। इस प्रकार आपको अपने फिक्स डे बनानी है और उसका पब्लिश करने का टाइम भी आपको फिक्स रखना है, क्योंकि गूगल पोस्ट जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करता है तो उसको पता होता है कि यह पोस्ट इस दिन पब्लिश होगी, इतने बजे पब्लिश होगी, तो उसी हिसाब से वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और आपकी पोस्ट इंडेक्स करवा देता है। तो कंसिस्टेंसी और शेड्यूलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी ब्लॉग पोस्ट को गूगल के ऊपर फास्टली इंडेक्स करवाने के लिए। नेक्स्ट क्या आता है, आपने जैसे अपनी पोस्ट को लिखा है, पोस्ट को लिखने के बाद आपको उसको कम से कम 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करना है। आपको कम से कम उसको टम्बलर, ट्विटर, मिक्स, आपका ट्विटर, फेसबुक, इस प्रकार के 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको पब्लिश करना है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो उससे क्या होता है, गूगल को एक सिग्नल मिलता है कि कोई नई पोस्ट आई है, तो वह भी उस व्यक्ति को पीछा करते करते आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा और आपकी पोस्ट को इंडेक्स करवा देगा, ठीक है। ये हो गया आपका दो स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है कि आपको अपनी वेबसाइट की प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग और आउटर और एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है। जितनी अच्छी आपकी इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग होगी, उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी पोस्ट के इंडेक्स होने के। तो अपनी वेबसाइट की इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग के ऊपर अच्छा खासा फोकस करें। नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको अपनी वेबसाइट को कम से कम 2 पिंग वेबसाइट के ऊपर सबमिट करना है। जैसा पिंगलर या पिंगोमेटिक टाइप की वेबसाइट होती हैं, इनके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश जरूर करें। इससे क्या होता है, गूगल को यह सिग्नल मिलता है कि कोई नई पोस्ट पब्लिश हुआ है और इस हिसाब से क्या करता है, वह आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करवा देता है। देन फाइनल स्टेप आता है कि आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट का साइट मैप सबमिट करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल को ओपन कर सकते हैं और वहां पर क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट के साइट मैप को सबमिट करना है, ठीक है। और साइट मैप को सबमिट करने के बाद आपको एक स्टेप और फॉलो करना है, जिसके बाद आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग को कोई नहीं रोक सकता है। तो पहला स्टेप क्या होगा, आपको उसके अंदर अपना साइट मैप को सबमिट करना है। तो साइट मैप कैसे सबमिट करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। तो साइट मैप सबमिट करने के लिए आपको साइट मैप के ऊपर जाना है, ठीक है। एंड साइट मैप के ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। साइट मैप के ऊपर जाने के बाद आपको यहां पर लिखना है साइट मैप .xml और साइट मैप को यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है। पोस्ट लिखा, उसके बाद आपने क्या करा, साइट मैप को सबमिट कर दिया। और साइट मैप को सबमिट करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट का URL को यहाँ पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद उसे यहाँ पर क्या कर देना है, आपको सर्च कर देना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार को सर्च करना है। जैसे कि आपने अपने यहाँ वेबसाइट का URL को पेस्ट करा है, उसको यहाँ पर आपने क्या कर दिया, सर्च कर दिया है, ठीक है। जैसे भी उसको सर्च करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये पोस्ट मेरी इंडेक्स है, पर आपकी पोस्ट यहाँ पर क्या होगी, इंडेक्स शो नहीं होगी। तो इंडेक्स शो नहीं हो रही तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर टैश लाइव URL के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप टैश लाइव URL के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, गूगल बोर्ड को सिग्नल मिलेगा कि ये नया पोस्ट आया है जो अभी तक इंडेक्स नहीं हुआ है, उसके अंदर कुछ भी एरर नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपके पोस्ट को गूगल के ऊपर इंडेक्स करवा देगा, ठीक है। ये सब भी आपको फॉलो करना है। तो इन 5 स्टेप के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के पोस्ट को गूगल के ऊपर इंडेक्स करवा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, बस को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत। जय